Good morning, student. Welcome back to our English online class. Today I am starting lecture number 4 and continuing our chapter number 1 sentences. And the question is question number A. Rearrange the group of words to make meaningful sentences. So here are some questions, some sentences, and we arrange the sentences to make meaningful sentence means it's mean कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमें अरेंज करना है इस तरीके से. यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनको इस तरीके से अरेंज करना है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. यानी अभी इनका कोई मीन्स नहीं है. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो ठीक तरीके से अरेंज नहीं है. इसको हमें रीअरेंज करना है, यानी वापस अरेंज करके इसको इस तरीके से अरेंज करना है जिससे इसका कोई परफेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस का कोई मीन्स निकले, यानी इसका कोई मतलब निकले. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अरेंज द टीचर हिज केन डांस अ हर फोर. इसका कोई अभी कोई मीन्स नहीं है. सो वी अरेंज दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस होता है परफेक्ट करेक्ट सेंटेंस तब होता है जब वो एक परफेक्ट स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से कंप्लीट हो. सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब एंड लास्ट इज ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट. क्या होता है सब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग्स, कोई भी एनिमल्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्शन करता है. एक्शन का मतलब जो उसमें कुछ ना कुछ काम करता है. यानी या कोई भी ऐसा पर्सन, बर्ड, एनिमल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उस सेंटेंस में मतलब उसके बारे में होता है, किसके बारे में वो सेंटेंस है, कौन उसमें वर्क कर रहा है, वो होता है सब्जेक्ट. सो यहाँ अरेंज टीचर हिज केन, यानी स्टार्टिंग में हम हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा. और अब इसमें हम कौन सा स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, हिज टीचर, हिज किंग. किंग के बाद देन उसके बाद किंग क्या कर रहा है. अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम. हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड एक्सेट्रा. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन कोई भी यहाँ पर क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है. सो लीव इट. नेक्स्ट हिज किंग इज सब्जेक्ट. ओके, देन इसके बाद अगर सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सो वी कैन यूज, वी यूज वर्ब. क्या होता है वर्ब का मतलब होता है उसमें जो जैसे कोई भी पर्सन है तो उसने क्या, यहाँ पे वर्ब का मतलब होता है काम. ठीक है, काम जो करता है वो तो सब्जेक्ट होता है. ठीक है, जिससे रिलेटेड होता है कोई भी सेंटेंस वो तो सब्जेक्ट होता है. अब उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है तो वो काम ही वर्ब होता है. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ब. तो वर्ब यहाँ पे अरेंज्ड, यानी किंग क्या कर रहा है, अरेंज्ड कर रहा है. ये यहाँ पे अरेंज्ड वर्ब है. हिज किंग सब्जेक्ट, अरेंज्ड अरेंज वर्ब है. ओके, हिज किंग अरेंज्ड क्या अरेंज कर रहा है वो, हिज किंग अरेंज्ड अ टीचर. क्या अरेंज कर रहा है, अ टीचर फॉर हर डांस. यानी जो टीचर है, जो किंग है उसका किंग, वो अरेंज कर रहा है टीचर को फॉर हर डांस. यानी उसके डांस के लिए टीचर को अरेंज कर रहा है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. प्रिंसेस मगध इन वैरी वाज ब्यूटीफुल देयर अ. सो इसका करेक्ट सेंटेंस रीअरेंज करके कैसे करेक्ट सेंटेंस बनेगा.
सो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वी राइट सब्जेक्ट. हम सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखेंगे. यहाँ पे सब्जेक्ट का मीन्स वर्ड, ये जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, कौन इसमें काम करने वाला है. प्रिंसेस मगध इन कौन सा हो गया, प्रिंसेस. अब प्रिंसेस के साथ हम लिखेंगे देयर वॉज अ प्रिंसेस. देयर वॉज अ प्रिंसेस. देयर वॉज अ ब्यूटिफुल. यहाँ पे पहले ब्यूटिफुल आएगा देन उसके बाद, ठीक है. यहाँ पे प्रिंसेस कैसी है, ब्यूटिफुल. तो देयर वॉज अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस. देयर वॉज अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस इन मगध. दैट्स इट. यानी देयर वॉज अ, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर राजकुमारी है. कहाँ पर, मगध में. मगध में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी. इंटरेस्टेड म्यूजिक, शी इन वॉज मोर पेंटिंग दैन. क्वेश्चन नंबर 3. सो द आंसर इज, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे. तो हेयर सब्जेक्ट इज इंटरेस्टेड म्यूजिक. किसके बारे में सेंटेंस है, क्या काम हो रहा है, या किसके बारे में सेंटेंस है. तो स्टार्ट करेंगे हम किससे, स्टार्ट करेंगे शी से. यहाँ पे और तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे शी की बात हो रही है. शी इज हेयर, शी इज सब्जेक्ट. शी वॉज मोर इंटरेस्टेड, शी वॉज मोर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड एंड हेयर. इंटरेस्टेड इज वर्ब. यहाँ पे इंटरेस्टेड क्या है, वर्ब है. शी सब्जेक्ट, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब. शी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, इन पेंटिंग देन किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, देन म्यूजिक. शी वॉज मोर म्यूजिक. इट्स मीन, क्वेश्चन मीन्स ए, शी वॉज मोर इंटरेस्टेड. यानी वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन पेंटिंग, पेंटिंग में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. देन यहाँ कंपैरिजन हो रहा है दोनों के बीच में, पेंटिंग और म्यूजिक के बीच में, कि उसका जो इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, पेंटिंग में है. किसके कंपैरिजन में, म्यूजिक के कंपैरिजन में. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हेयर इज आंसर इज बिकेम सून फेमस. सो द आंसर इज सून द प्रिंस, सून. We write question number 4. यानी answer number 4 मैं आपको अभी यहाँ पे नीचे करवा रही हूँ, ठीक है. Soon the princess, soon the princess, soon the princess, soon, soon हो गया हमारा the प्रिंसेस. सून द प्रिंसेस बिकेम, सून द प्रिंसेस बिकेम अ वर्ल्ड फेमस. सून द प्रिंसेस बिकेम अ वर्ल्ड फेमस. वर्ल्ड फेमस क्या, अ वर्ल्ड फेमस. सून हो गया बिकेम, कहाँ वो बिकेम, सून बिकेम, सून भी हो गया, बिकेम भी हो गया, फेमस भी हो गया, वर्ल्ड भी हो गया. देन उसके बाद सून द प्रिंसेस बिकेम अ वर्ल्ड फेमस. वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस क्या है वो, वर्ल्ड फेमस डांसर, डांसर एंड सिंगर, डांसर एंड सिंगर, सिंगर एंड डांसर, कुछ भी लिख सकते हो आप. सून का मतलब है आने वाले टाइम में, जल्द ही. द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, बिकेम अ वर्ल्ड फेमस.
बिकेम का मतलब बन जाएगी अब वर्ल्ड फेमस, जल्द ही जो प्रिंसेस है वो जल्द ही क्या बन जाएगी, अ वर्ल्ड फेमस, मतलब वर्ल्ड की यानी दुनिया की फेमस डांसर और सिंगर। आप कुछ भी पहले लिख सकते हो, सिंगर एंड डांसर भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वीट लाइक। तो आई लाइक, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। आई लाइक, ये तो नॉर्मली हम कहते भी, आई लाइक स्वीट मैंगोज, आई लाइक स्वीट मैंगोज वेरी मच, वेरी मच। ओके, दैट्स इट। टुडे वी विल, टुडे वी आर क्वेश्चन नंबर, वी आर डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यानी आज हमने कौन सी क्वेश्चन करवाए, 1 to 5 करा है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर ए, यानी हम नेक्स्ट आने वाली हमारी क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल द स्टूडेंट अंडरस्टूड दिस टॉपिक। यू डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर ए इन योर फेयर कॉपीज। थैंक यू।